हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिप्रा गुरु होममेड फूड में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो, अच्छे से रहिए। तो आज हम नाश्ता का वीडियो शेयर करेंगे, वो भी एक 5 मिनट का नाश्ता का वीडियो। हमारे व्यूअर्स एक कमेंट किए थे, यानी कि उन्होंने बोले थे 5 मिनट का एक वीडियो हमें शेयर कीजिए, वो भी नाश्ता का वीडियो। इसीलिए हम आपके साथ 5 मिनट का नाश्ता का वीडियो शेयर कर रही है। तो चलिए, हमने 5 मिनट का नाश्ता का वीडियो में जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो देखिए, 5 मिनट का नाश्ता का वीडियो में हम बनाएंगे मैगी। तो मैगी देखिए, ये हमने 3 पैकेट मैगी ले लिए है, इसके साथ में मैगी मसाला है। और जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो भी हम एक एक करके बता देते हैं। तो ये हमने लिए है, एक ऑनियन कटिंग करके लिए है, हरी मिर्ची कटिंग करके लिए है, और ये कॉर्न लिए है। कॉर्न हमने 50 ग्राम जैसा ले लिए है, एक कॉर्न को आधा हमने ऐसा निकल के ले लिए है। और शिमला मिर्च लिए है, गाजर एक कटिंग करके लिए है, हरा धनिया लिए है और हरी मटर लिए। ये सारे वेजिटेबल डाल के हम बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लगता है। वेजिटेबल डाल के आप बनाओगे, आप एक कटोरा भर के खा लोगे, या तो आप पैक करके डब्बे भी में लेके जा सकते हो। और इसमें लगेगा ये सिंगदाना, यानी कि मूंगफली। मूंगफली भी हमने भून के इसे कूट के ले लिए हैं, भुना है, उसके बाद छिलका उतर के हमने इसे कूट के ले लिए है। तो चलिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसा हम बनाते हैं। ये 5 मिनट का ही वीडियो बनेगा। और जो व्यूअर्स हमें कमेंट किए थे, उनका नाम है संजय कुमार, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इधर हमने मैगी को थोड़ा सा कटिंग करके ले लिए हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। इधर हमने गैस चालू करके पानी रख दिए बॉयल करने के लिए। अभी मैगी को हम बॉयल करके ले लेते हैं। खाली आधा मिनट बॉयल करना है, अच्छी तरह एक उबाल आएगा, उसके बाद हम इसे छान के ले लेंगे। एकदम अच्छी तरह एक उबाल आने देते हैं, इसे क्या होएगा, मैगी एकदम खुला खुला बनेगा। आप एक एक मैगी गिनती कर सकोगे। तो आधा मिनट हो गया है, अब छान के ले लेते हैं। देखिए, एक एक मैगी एकदम खुला खुला हो गया है। तो कढ़ाई बिठा दिया है, कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिए है, तेल भी हमारा गर्म हो गया है। पहले ऑनियन डाल देते हैं, ऑनियन को हल्का ब्राउन करते हैं, हल्का हल्का ब्राउन है। इसी में हम सारे जो वेजिटेबल लिए हैं सब हम डाल देते हैं। इसमें डाल के इसे भी पकाना है अच्छी तरह, और एक ढक्कन भी लगा देना है। वेजिटेबल डाले हैं तो हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि मैगी मसाला में नमक रहते हैं, इसीलिए कम नमक डालना पड़ता है। तो जब वेजिटेबल नहीं डालोगे तो इसमें नमक नहीं डालो तो भी चलेगा। अभी ढक्कन लगा के इसे छोड़ देते हैं आधा मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है। तो आधा मिनट हो गया है ढक्कन लगा के, हम देख लेते हैं, इसे चेक करके लेते हैं। चेक करते हैं, देखिए ये ग्रीन मटर देखिए एकदम अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है, और ये गाजर तो पहले ही सॉफ्ट हो जाते हैं, और ये कॉर्न ये भी देखिए सॉफ्ट हो गया है एकदम अच्छी तरह। तो चलिए, ये हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची, जो कटिंग करके रखे है वो ऐड करेंगे। हरी मिर्ची हमने ऐड कर दी है। अभी हम थोड़ा सा इसे भी अच्छी तरह ये वेजिटेबल के साथ में सौते कर लेते हैं। और इधर हमने मैगी को छान के ले लिए है। आप देख सकते हो, एक एक मैगी आप गिनती कर सकते हो। आप देखिए, एकदम एक एक मैगी खुला खुला है। तो ये हम डाल दिए हैं। अभी सारे वेजिटेबल के साथ हम चला देते हैं अच्छी तरह, यानी कि मिक्स करना है। इसे भी 2 मिनट ऐसे पकाना है इसी तरह। अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं भुना हुआ हमने जो मूंगफली रखे थे, ये हम ऐड कर दिए हैं। और ये जो मैगी मसाला, ये हम निकाल के ले लिए हैं, ये भी हम ऐड कर देते हैं। और इसमें ऐड करते हैं हरी धनिया, ये कर दिए है। अभी सारे चीज़ों को अच्छी तरह मिलाना है, एकदम अच्छी तरह मिला देते हैं। तो आप सब लोग देख सकते हो, मैगी एकदम तैयार हो गया है। और देखिए, एकदम खुला खुला बना है। एक एक मैगी आप गिनती कर सकोगे। देखिए इसी तरह एकदम तैयार हो गया अच्छी तरह। तो चलिए प्लेटिंग करके आप सभी से मिलते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हो, 5 मिनट में कम और कम मैगी हमारा एकदम तैयार हो गया है। देखिए एकदम धुआं उठ रहा है। और मैगी देखिए, एक ही मैगी आप गिनती कर सकते हो। एक एक मैगी एकदम गिनती करोगे, एकदम खुला खुला मैगी बना है। तो इसी तरह आप लोग घर पर जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो, बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हो। तो आप लोग ये मैगी एक बार बनाइए, खाइए, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताइए रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग नए हो हमारे चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग घर पर जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आप सभी लोग, आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।